हाय गाइस, दिस इज टेक्निकल फॉर अवर। आज के स्टूडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लावा ने अपने एक और फोन को लॉन्च कर दिया है मार्केट के अंदर। लावा Z62 के नाम से इस फोन को लॉन्च किया आज ही मार्केट के अंदर। देखा जाएगा दोस्तों, तो Z62 जो है वो लावा के पिछले साल जो लॉन्च हुआ था जुलाई के अंदर, Z61 उसका ही अपग्रेड वर्जन है। तो आज के स्टूडियो में हम लोग जानते हैं कि लावा Z62 के अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, क्या है इस फोन की प्राइसिंग और क्या क्या सब कुछ इसका डिजाइन डिस्प्ले सब कुछ के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट करना ना भूले और वीडियो जरूर लाइक कर दे, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो और अच्छी बनाने की और भी मेहनत करने की। तो लाइक जरूर कर दे दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं लावा Z62 के डिस्प्ले के बारे में, तो ये फोन एक 6.0 इंच के फुल व्यू स्क्रीन के साथ में हमें देखने को मिल जाएगा। बैक बॉडी जो है प्लास्टिक बॉडी होगी, फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास सर्टिफाइड तो नहीं किया बट 6.0 इंच का एक TFT डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगा। बात करूं और आगे फोन के कैमरे के बारे में, तो बैक साइड रियर साइड में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। इफ अगर मैं बात करूं सेल्फी कैमरे के बारे में, तो फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि एक सेल्फी के लिए बेटर है। फोन के अंदर आपको फेस अनलॉक का भी फीचर दिया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं और आगे फोन के रैम इंटरनल के बारे में, तो इस फोन के अंदर आपको 2GB की रैम दी हुई है, 16GB इंटरनल स्टोरेज है। अगर आपको लगता है कि आपको मेमोरी कार्ड को और बढ़ाना है, स्टोरेज को बढ़ाना है, तो 256GB तक का मेमोरी कार्ड लगा के आप स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। फोन 4G के साथ में आता है, एक ये भी अच्छी है। कनेक्टिविटी के साथ में आता है, वो भी एक अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूँ फोन के एंड्रॉइड वर्जन के बारे में, तो 9.0 पाई का अपडेट देखने को मिलता है इस फोन के अंदर। बैटरी की जो कैपेसिटी दी हुई है दोस्तों, वो 3380 mAh की दी हुई है। अगर मैं बात करूँ इन सब के अलावा फोन की कीमत के बारे में और इस फोन के सबसे मेन चीज प्रोसेसर के बारे में, तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek का A22 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात MediaTek के हिसाब से और फोन के प्राइस रेंज के हिसाब से भी अच्छी चीज है। अगर मैं बात करूँ इस फोन की कीमत के बारे में, तो 6060 मतलब 6060 रुपए में ये फोन आपको मार्केट में खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अब देखते हैं कितना जल्दी ये मार्केट में आ जाता है और कस्टमर का क्या रिव्यू रहता है इस फोन के रिलेटेड। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। एंड जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आई होप आप हमारे वीडियो को एंजॉय करते होगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।